Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Vidhi and welcome back to my channel Indian Makeup and More. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और ये जो नियॉन ग्रीन और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने किया है तो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लॉरियल का माइक्रो एसेंस ले रही हूँ और इसे अपने पूरे फेस पे ऐसे टैपिंग मोशन में लगाऊंगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये नेल्फ का एचडी प्राइमर और इसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि है मेबलिन का सुपरस्टी फाउंडेशन और शेड का जो नेम है सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश मैं इसे अच्छे से अपनी स्किन में बफ कर दूँगी सो दैट जो फाउंडेशन है मेरी स्किन से अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैं इसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दूँ। उसके बाद मैं फाउंडेशन लूँगी और अपने नेक पर भी लगाऊँगी एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का ये ट्रांसलेशन पाउडर ले रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी आई एरिया को नोज़ को और मेरे अराउंड माय माउथ एरिया मैं इसको अच्छे से पैट करके लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश एंड देन उसके बाद मैंने पाउडर ब्रश लिया है और जितने भी पाउडर मेरी स्किन में लगा था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये मेकअप रेवोल्यूशन का आइकॉनिक 2 पैलेट एंड इस पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे अपने क्रीज पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश और इसी पैलेट में से मैं ये शैम्पेन शेड ले रही हूँ विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड और मैं इसे अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है और तो इसे मैं लगाने के बाद पूरे अपने आईलेट पर लगा लूँगी एंड देन आफ्टर दैट मैं ब्लेंडिंग ब्रश से लेके जितनी भी हार्श लाइन्स है वो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने ली है ये मेकअप रेवोल्यूशन की कलर केओस पैलेट और मैंने इसमें से ये ब्यूटीफुल सा नियॉन ग्रीन शेड लिया है और मैं इसे विद द हेल्प ऑफ अ स्पंज टिप एप्लीकेटर अपने इनर आई एरिया में डिपॉजिट कर रही हूँ कलर एंड यू गाइस कैन सी ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो येस आई एम डूइंग दैट। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट पेंसिल ये येलो शेड है इसको मैं अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ अ सेम एप्लीकेटर मैं इसको स्मच कर दूँगी। इसके बाद मैं अपनी आई लैशेज को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ ताकि मेरी जो आई है काफ़ी अच्छे से ब्राइटन अप हो जाए आई लैशेज काफ़ी अच्छे से कर्ल हो जाए। उसके बाद मैं लूँगी मेबलिन का क्लॉसल मस्कारा और मैं इसको अपने दोनों अपर और लोअर लैश लाइन पर लगाऊँगी और उसके बाद जो है मैं लास्ट में फॉल्सीज अप्लाई कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने ली है ये मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल और इससे मैं जो है अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल और काफ़ी ब्यूटीफुल सा शेड है मेरे स्किन टोन से और मेरे हेयर से अच्छे से मैच भी हो गया है ये। सो यस, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए है तो प्लीज़ डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैं पाउडर कंटूरिंग करने वाली हूँ तो मैं ये ब्राउन कलर का ब्रॉन्जर ले रही हूँ और इसको मैं अपने चीक एरिया पे डिपॉजिट कर रही हूँ और आपको लग रहा होगा कंटूरिंग बहुत हार्श है, अभी मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ और मैं इसको लास्ट में ब्लेंड करूँगी और मैं इसको अच्छे से अपने नोज़ एरिया पर भी लगाऊँगी टू गेट अ चिजल। उसके बाद मैं रियल टेक्निक्स का एक्सपर्ट फेस ब्रश ले रही हूँ और जो भी मैंने कॉन्टोरिंग करी है उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने लिया है लॉरियल पेरिस का मैट मजिक कॉम्पैक्ट और इससे मैं जो है जितनी भी मैंने कॉन्टोरिंग की है उसको मैं क्लीन अप कर रही हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो लाइक दिस। और फिर उसके बाद मैंने ली है मिस रोज़ की ब्लश पैलेट और इसमें से मैं ये ब्यूटीफुल सा पिंक शेड ले रही हूँ एंड गाइस अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है ब्लश बट मैं अभी कलर को प्लेस कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो नाउ आई एम ब्लेंडिंग द ब्लश। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और अच्छे से इस ब्लश को जो है ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का बेक्ड हाइलाइटर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है और मैं अपने फेस को जो है इससे हाईलाइट कर रही हूँ एंड
एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी सो दैट कहीं पे भी हार्श लाइंस ना दिखे। लास्ट में मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर की लिप क्रीम जो कि है शेड नंबर 8 और मैं इसे अपने लिप पे लगा लूंगी। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. So yes, that's it. I hope you like this video. आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड यस, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।